हेलो गाइस वेलकम बैक आज हम लेके आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो जो कि है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी के बारे में जिनको हम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के नाम से जानते हैं आज हम इनका बैकग्राउंड और इनके हिस्टोरिकल व्यू और पाकिस्तान के लिए इनकी खिदमत देखेंगे बुजुर्गों की कहावत है बड़ा आदमी बनाया नहीं जाता बल्कि इज़्ज़त इससे पेदायशी तौर पर बनाए बनाए बेचता है ताहम इसके जहूर के लिए एक वक्त मुकर होता है और आप सब जानते ही हैं और जब खुदावंद करीम को मकसूद होता है तो वह इसे जाहिर कर देता है हमारे ममदू जिनका नाम है जनाब मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पर भी ये बात मनो अंतबक मन होती है सत्ताईस अप्रैल उन्नीस सौ छत्तीस को भोपाल में पैदा होने वाले अब्दुल कदीर खान चौदह अगस्त में लोहे के एक ट्रंक के साथ जिसमें चंद किताबें और कपड़े थे खोखरा पार्क की सरहद से पाकिस्तान में दाखिल हुए डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ भोपाल के चंद मुस्लिम घराने भी हिजरत करके पाकिस्तान आ रहे थे उसके बाद क्या हुआ सफर में हिंदू पुलिस और रेलवे मुलाजमन ने महाजरीन के साथ जिल्द मेज सलूक किया और इनका सामान लूटा कहा जाता है कि वो इस हद तक गिर गए थे कि उन्होंने और और बच्चों से भी सामान छीन लिया मेरा ट्रंक खोल के देखा इसमें किताबों के अलावा इनको अपने मतलब की कोई चीज ना मिली मेरे एहतजाज पर इन्होंने मुझे तशद का निशाना बनाया और फिर इसके बाद मैं इसको जिंदगी में कभी भूल नहीं सका इंडिया के रेलवे स्टेशन से पाकिस्तान बॉर्डर का सात किलोमीटर का पैदल रास्ता था रेत में जूतों के साथ चलना बहुत मुश्किल था हम नंगे पांव चलकर पाकिस्तान सरहद की चौकी तक पहुंचे पाँव में छाले पड़ गए थे भूख और प्यास से बुरा हाल था वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान का योम आजादी होने के बायस हर तरफ सब सलाली परचम लहराते देखकर मैं अपनी तमाम तकलीफ को भूल गया और खुश और इन बसात से सरशार हो गया जब डॉक्टर अब्दुल कदीर हान सरहद अबूर कर रहे थे तो फिर क्या हुआ वहां तयन एक भारती सिख सपाही ने इन से इनका पसंदीदा पार कर कलम तंजन ये कहकर ले लिया कि आप पाकिस्तान जाकर दूसरा ले लेना तो डॉक्टर साहब ने बर्जस्ता जवाब दिया कलम तो क्या अल्लाह तला ने मुझे बहुत कुछ देना है और मैं पाकिस्तान जाकर अपने वतन के लिए बहुत कुछ करूँगा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने चंद रोज खोखरा पार में गाड़ी के इंतजार में खुले आसमान के नीचे गुजारे फिर एक माल गाड़ी आई जिस पर बैठकर कराची पहुंच गए आपने मैट्रिक तक तालीम भोपाल में ही हासिल की बाकी तलीम कराची में जबकि अला तलीम के लिए वो हॉलैंड मौजूदा नदरलैंड चले गए मजे की बात तो ये है कि हॉलैंड के लिए इनके पास सिर्फ जाने का टिकट था वापसी का नहीं अगर हुदा ना हाज इन्हें हॉलैंड में दाखला ना मिलता तो वापसी इनके लिए एक दुशवार मरहला होती ताहम इन्हें वहां दाखला मिल गया हॉलैंड में तालीम मुकम्मल करने के बाद डॉक्टर अब्दुल कदीर खान वहां के एक साइंस इदारे से मुंसलिक हो गए अब हम इनके प्रोफेशन के बारे में बात करेंगे मई उन्नीस सौ चौहत्तर में भारत ने एटमी धमाका करके बड़े सगीर के अमन को संगीन से दो चार कर दिया इस वक्त के एक भारतीय वजीर एल के एडवानी ने पाकिस्तान कौम को ललकारते हुए कहा कि भारत अब बेकेटमी क़वत है पाकिस्तानी कौम अब हमारे सामने सर झुका कर चलना सीखे जिससे वाज तौर पर पाकिस्तान को ये पैगाम दिया गया कि भारत ने एटम बम अपने दिफा के लिए नहीं बल्कि इसे पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बनाया है जाहिर है अमन पसंद पाकिस्तानी एटम बम की तबाह बहूबी आशना थी इसके लिए एक लम्हा था और बारगाह हुदाबंदी से किसी मोजे की मलतजी थी फिर मुआवज़ा ही हो गया माशाल्लाह के जज्बा हबुलबनी से सरशार एक नौजवान ने जो कि इस वक्त हॉलैंड के एक साइंसी इधारे से मुंसलिक थे इस वक्त के वजीर अजम पाकिस्तान जुल्फकार अली भुट्टो को एक तहरीर किया कि मैं पाकिस्तान को एटमी कुत बनाने में एक अहम मर और नतीजा हेज किरदार अदा करने को तैयार हूँ फिर जानते हैं इनके बारे में क्या हुआ नौजवान ने पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर हान थे हाल जैसे खुशहाल मुल्क की साइंसी इदारे से वाबस्ती के बायस वो अपनी जिंदगी की तमाम सहूलतों से लुफानदोज़ हो रहे थे लेकिन उन्होंने वतन अजीज़ के तहफ़ और सलामती के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया और खुद को दफा पाकिस्तान के लिए वक्फ कर दिया अब इनकी कुर्बानियों की बात करते हैं इनकी इन कुर्बानियों में इनकी बेगम साहिबा जिनका ताल्लुक हालण्ड से है और इनकी दो साहबादियों जिनका भरपूर साथ डॉक्टर साहब से कहा कि आप हमारी परवाह किए बग़ैर पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम के लिए जो कुछ कर रहे हैं वो कहीं बुलंद है अब अपना काम जारी रखें फिर डॉक्टर अब्दुल कदीर ने रात को रात और दिन को दिन नहीं समझा और शबाना रोज पाकिस्तान को एक आटमी ताकत एटमी कवत बनाने में मसरूफ हो गए इस मरहे पर अटॉमिक इनर्जी कमीशन में इनके खिलाफ कुछ अंदरूनी साजिशें शुरू हो गई जिनका इन्होंने वजर अजम जुल्फकार अली बुटो से जिक कर किया तो उन्होंने डॉक्टर साहब को कोहोटा में एक अलग ادارہ बनाने को कहा और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को इसका सरबरा मुकरर कर दिया इसके बाद क्या हुआ इसके बाद डॉक्टर साहब ने 200 200 जियां से बेनियाज होकर शायर मश्रिक अल्लामा इकबाल के हुआब तक और इसकी तबीर को तकमील तक पहुंचाया और बाबाए قوم قائد اعظم محمد علی جناح رحمتہ के पाकिस्तान को एक नाकाबले तसीर एटमिक قوت बना दिया डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने उन्नीस सौ छिहत्तर में एटम बम पर काम शुरू किया और छः सात साल के मुख्तर अरसे में इसे पाया तक मील तक पहुँचा दिया उन्नीस सौ बयासी में बम तैयार हो गया जिसका कामयाब तजर्बा अट्ठाईस मई उन्नीस सौ अठानवे में किया गया जिससे ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि अफवाज पाकिस्तान का मुराद भी बुलंद हुआ एटमी का नाम भी शामिल हो गया पाकिस्तान के एटमी सफर में वजह बुल्फकार के अलावा बहुत सारी शख्सियत और अफवाज पाकिस्तान ने नमाया और मौसर किरदार अदा किया डाटर अब्दुल कदीर ने जिन नामसाद और मुश्किल हालात में पाकिस्तान को एटमी क़ुत बनाने की जद्दोजहद मेहनत और कोशिश की वह इनतहाबले कदर हैं। ये इनका पाकिस्तानी आज हमारा बड़े से बड़ा दुश्मन भी पाकिस्तान की तरफ उठा कर नहीं देखता बेशक ने एक तरही जुमला कहा था हम घास तो खा लेंगे मगर पाकिस्तान को एटमी ताकत बना कर ही छोड़ेंगे इसके बाद आपको बताते चले फिर मोहसे पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर हाने से सच कर दिखाया और पाकिस्तान को नकबले शक शिकस्त बना दिया बात यहीं खत्म नहीं होती इस कामयाबी के बाद मुख्तरमा बेनजीर बुटो ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से मिसाइल बनाने की बात की तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने पाकिस्तान का पहला गोरी मिसाइल पाकिस्तान का पहला मिसाइल था गोरी मिसाइल जिसको डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने तहलीक किया जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर है जिसका कामयाब तजुर्बा 8 अप्रैल 1998 में किया गया इस मिसाइल के बाद डॉक्टर कदीर खान की रखी गई बुनियादों पर अब तक मिसाइलों के कई कामयाब तजर्बे हो चुके हैं कोहटा रिसर्च लेबॉर्ट्रीज ने न सिर्फ एटम बम बनाया बल्कि पाकिस्तान के लिए एक हज़ार किलोमीटर दूर तक मारने के लिए गोड़ी मिसाइल समेत छोटी और दरमिया रेंज तक मार करने वाले मतद मिज़ाइल तैयार करने में भी अहम किरदार अदा किया अदारे ने पच्चीस किलोमीटर तक मार करने वाले मल्टी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर रेंज फाइंडर लेजर थ्रेड सेंसर डिजिटल गोनियोमीटर रिमोट कंट्रोल माइन एक्सप्लोर टैंक शिकन गन समेत पाक फ़ौज के लिए जदीद दफाई आलातार के अलावा टेक्सटाइल और दिगर सनतों के लिए मतद आलातार भी बनाए दोस्तों यही डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का पाकिस्तानी कौम पर एहसान है कि आज हम अपने दुश्मन को आंखें दिखा सकते हैं ये थी हिस्ट्री और बैकग्राउंड डॉक्टर अब्दुल्कदीर खान का मजीद इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ का वेट कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक और शेयर कीजिए और नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ का वेट कीजिए शुक्रिया